मैंने उस ऐप को देखा और कुछ बार यूज़ भी किया, ऐसे ही कुछ बताया मीका पाजी ने। पॉर्न मूवी बनाने के मामले में गिरफ्तार किया है मुंबई क्राइम ब्रांच ने शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा को। और जब से ये मीडिया वालों ये खबर कवर करने लगा, बॉलीवुड मूवी इंडस्ट्री के अंदर भी ये लेके चर्चा शुरू हो गया। एक थर्ड पार्टी ऐप के अंदर राज की प्रोडक्शन में बनी हुई पॉर्न मूवी की वीडियो दिखाई देता था, एंड वो वीडियो अब देखा है मीका पाजी ने, मतलब मीका सिंह ने। मुंबई मीडिया वालों के साथ बातचीत करते हुए मीका पाजी ने बताया, मैं ये देखने के लिए इंतजार कर रहा था, जो होगा अच्छे के लिए ही होगा। मैं उस ऐप के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानता हूँ, लेकिन एज यूजुअल मैंने उस ऐप को 2-4 बार देखा था और उस ऐप के अंदर ज़्यादा कुछ था नहीं। मीका पाजी ने और भी बताया कि राज कुंद्रा ने बहुत एक अच्छा इंसान है, उनको जब अदालत में पेश किया जाएगा तब उनके लिए कुछ अच्छा फैसला ही होगा और अदालत नहीं तय करेगा कि कौन अच्छा कौन बुरा। पुलिस सोर्सेज के मुताबिक राज के एक रिलेटिव प्रदीप बख्शी जो इंग्लैंड में रहते हैं, केंद्रीय प्रोडक्शन नाम के एक प्रोडक्शन हाउस उन्होंने इंग्लैंड में चलाता है, एंड उसी कंपनी की चेयरपर्सन के साथ साथ बिजनेस पार्टनर भी था राज कुंद्रा ने। एंड कल एक व्हाट्सएप चैट रिवील हुआ है जहाँ पे दिखाई दे रहा है कि राज कुंद्रा के साथ प्रदीप बख्शी की पॉर्न मूवी के पीछे डालने वाले हर पैसे की ट्रांजेक्शन की कुछ स्क्रीन शॉट। 23 जुलाई तक राज कुंद्रा ने जेल कस्टडी में रहेगा और बस राज ने उसके साथ नेरुल एरिया से गिरफ्तार किया गया है काली रायन थरपुक को, उनको भी राज के साथ रखा जाएगा जेल कस्टडी में। लेकिन दोस्तों जब से राज कुंद्रा को पुलिस ने गिरफ्तार किया उसके बाद ना शिल्पा शेट्टी को कहीं पे दिखाई दे रहा है, ना शिल्पा शेट्टी की तरफ से कोई बयान सामने आया। क्या शिल्पा शेट्टी ने भाग गया या शिल्पा शेट्टी को ये सारी चीज़ों के बारे में पता था? लेकिन इससे पहले भी बॉलीवुड के काफ़ी सारे सेलिब्रिटी को पूछताछ के बाद वो केस डिसमिस हो गया था। अब यह देखना बाकी है कि राज कुंद्रा के साथ भी क्या वही सेम चीज़ होगा।